उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। संगठन की अवधारणा की व्याख्या करने में, संगठन के महत्व का वर्णन करने में, कार्यात्मक संगठन के अर्थ, लाभ व हानियों की व्याख्या करने में, प्रभागीय संगठन के अर्थ, लाभ व हानियों को स्पष्ट करने में, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के अर्थ, लाभ व हानियों की व्याख्या करना, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर करने में, अंतरण और विकेंद्रीकरण की अवधारणा की व्याख्या करने में, अंतरण और विकेंद्रीकरण के महत्व का वर्णन करने में, अंतरण और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर करने में, अर्थ और कदम। संगठन। संगठन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो सभी के बीच प्राधिकरण दायित्व संबंधों को स्थापित करने के संबंध में और उद्यम में सभी ग्रुपों में आपसी तालमेल बनाए रखने और प्रत्येक ग्रुप को अपने द्वारा किए गए कार्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए सामंजस्य स्थापित करते हुए उद्यम के लक्ष्यों की उपलब्धि में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को परिभाषित करने का प्रयास करता है। अर्थ। थियो हेमैन के शब्दों में, संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समग्र प्रक्रिया के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार और संबंधों को निश्चित किया जाता है। प्रबंधन में संगठन व्यक्ति कार्य और सामान्य उद्देश्यों को हासिल करने में प्रयुक्त संसाधनों के बीच संबंध को संदर्भित करता है। संगठन प्रक्रिया में कदम। संगठन के प्रबंधन कार्य विभिन्न चरणों से गुजरकर पूर्ण होते हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर नीचे चर्चा की गई है। कार्य की पहचान तथा विभाजन। संगठन प्रक्रिया के प्रथम चरण में कार्य की पहचान और उनका विभाजन शामिल है, जिन्हें पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पूरा करना होता है। कार्यों को प्रबंधकीय कार्यों में विभक्त किया जाता है ताकि दोहराव से बचा जा सके और कार्यभार को कर्मचारियों के बीच साझा किया जा सके। विभागीकरण। एक बार कार्य को जब छोटे और प्रबंधकीय गतिविधियों में विभाजित कर लिया जाता है तो समान प्रकृति की गतिविधियों को एक साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विभागीकरण कहा जाता है। कर्तव्यों का निर्धारण। विभागों का निर्माण हो जाने के बाद प्रत्येक विभाग को एक व्यक्ति के अधीन कर दिया जाता है। वह विभाग प्रमुख कहलाता है। तब उसके ज्ञान और कौशल के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति को कार्य का आवंटन किया जाता है। कार्य की प्रकृति और व्यक्ति की योग्यता के बीच उचित मिलान होना चाहिए। वृत्तांत यानी रिपोर्टिंग संबंध स्थापन। संगठन में प्रत्येक कर्मचारी के पास कुछ अधिकार और दायित्व होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए उसे किससे आदेश प्राप्त करने हैं तथा वह किसके प्रति जवाबदेह है। संगठन के महत्व। संगठन का कार्य व्यवसाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अन्य व्यावसायिक संचालनों का समन्वय करता है। इस कार्य के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से वर्णित किया जा सकता है। विशिष्टीकरण के लाभ। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को समग्र कार्य की बजाय कार्य का एक अंश ही आवंटित किया जाता है। छोटी इकाइयों में कार्य का यह विभाजन तथा कार्य की पुनरावृत्ति से विशिष्टीकरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार संगठन से विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है जो कुशल और तीव्र निष्पादित कार्यों में तब्दील हो जाता है। कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण। यह सुपरिभाषित कार्यों का निर्माण करने में सहायता करता है
और प्रत्येक कार्य के अधिकारों की सीमा और दायित्व का स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है। बेहतर अधीनस्थ संबंध संगठन में स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। प्रभावी प्रशासन, यह संगठन कार्यों और तत्संबंधित कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण देता है जो असमंजस तथा पुनरावृत्ति से बचाता है। कार्यकरण में स्पष्ट संबंध स्थापित होने से कार्य का निष्पादन ठीक प्रकार से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन प्रभावपूर्ण रूप से काम करता है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, कार्यों का उचित आवंटन कार्यों की ओवरलैपिंग यानी दोहरीकरण से बचाता है। इससे भ्रम से बचने और संसाधनों एवं प्रयासों का ह्रास कम हो जाता है। परिवर्तनों के प्रति अनुकूल, एक सही ढंग से अभिकल्पित संगठन संरचना लचीली होती है। यह प्रौद्योगिकी, उत्पाद, संसाधनों और विपणन से संबंधित बाह्य वातावरण में परिवर्तन के कारण कार्यभार में हुए परिवर्तनों को समायोजित करने की अनुमति प्रदान करती है। कार्मिकों का विकास, संगठन कर्मचारियों के सापेक्ष सोच और प्रेरणा को प्रोत्साहित करता है। जब प्रबंधक अपने अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इससे उनका कार्यभार कम हो जाता है, ताकि वे विकास और नवीनीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक ध्यान दे सके। इससे अधीनस्थों की योग्यता का विकास भी होता है और उनके पूर्ण सामर्थ्य को समझने में सहायता मिलती है। विकास एवं विस्तार, इससे अधिक नौकरियां, पद, विभाग, उत्पाद, नवीन भौगोलिक क्षेत्रों आदि को जोड़कर एक उद्यम के विकास और उसके विविधीकरण में सहायता मिलती है। संगठन ढांचा, एक संगठन ढांचा संगठन में विभिन्न पदों के बीच प्राधिकरण और दायित्व के संबंधों का एक ढांचा है। यह स्पष्ट करता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। यह संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक भौतिक कारकों और व्यक्ति के बीच तथा संबंधित समूह के कार्यों के बीच के सुनियोजित संबंधों का एक सेट है। संगठन ढांचों के प्रकार, एक उद्यम द्वारा अपनाए गए संगठन का रूप उसकी प्रकृति, प्रकारों और क्रियाओं के रूपों के अनुसार अलग अलग होता है। आमतौर पर अपनाए गए दो संगठनात्मक ढांचे कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभागीय संगठन ढांचा है। कार्यात्मक संगठन ढांचा, कार्यात्मक संगठन ढांचे में किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों के आधार पर क्रियाओं को समूहबद्ध किया जाता है और प्रभागों को निर्मित किया जाता है। कार्य से संबंधित क्रियाओं के समग्र समूह को सुपरिभाषित दिशा देने के दृष्टिकोण से एकल इकाई में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक औद्योगिक उद्यम में उत्पादन, वित्त, विपणन और वैयक्तिक जैसे प्रमुख कार्यों को अलग अलग विभागों में समूहबद्ध किया जा सकता है। कार्यात्मक ढांचे की उपयुक्तता, यह उन संस्थानों के लिए अति उपयुक्त है जो एकल उत्पाद के लिए उत्पादन तथा उसका वितरण करते हैं, अथवा जहां कुछ उत्पाद होते हैं। यह उन संस्थानों के लिए अति उपयोगी है जहां उत्पादन, वित्त, विपणन आदि के संचालन में उच्च कोटि के विशिष्टकरण की आवश्यकता होती है। प्रभागीय ढांचा, प्रभागीय संगठन ढांचे का गठन स्वायत्त इकाइयों अथवा प्रभागों का एक सेट बनाकर होता है, जिसका समन्वय केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी में प्रसाधन, वस्त्र और चमड़े की वस्तुओं आदि के प्रबंधन हेतु तीन प्रभाग हो सकते हैं। प्रभागीय ढांचे की उपयुक्तता, प्रभागीय ढांचा उन कंपनियों के लिए उपयुक्त है जहां बहुत अधिक उत्पादन होता है और प्रत्येक उत्पाद अलग अलग प्रौद्योगिकी, संसाधनों
उत्पादन प्रक्रिया और विपणन के रूप में वर्गीकृत होते हैं। यह उन इकाइयों के लिए उपयुक्त है जिनका भौगोलिक कवरेज क्षेत्र बड़ा होता है अथवा अलग अलग बाजार खंड होता है। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। सभी संगठनों में दो प्रकार के संगठनात्मक रूप मौजूद होते हैं, एक है पेशेवर प्रणाली और दूसरा है व्यक्तिगत, जो कि अनौपचारिक होता है। यदि सभी कर्मचारियों का मार्ग निर्देशन नियमों तथा कार्य विधियों द्वारा होता है तो उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन संगठन की उस संरचना को संदर्भित करता है जिसे प्रबंधन द्वारा एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। यह स्पष्ट रूप से प्राधिकरण की सीमाओं और दायित्वों को निर्दिष्ट करता है तथा संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं के बीच व्यवस्थित समन्वय करता है। अनौपचारिक संगठन। काम करते समय व्यक्तियों में आपसी तालमेल होना तथा कर्मचारियों में सामाजिक संबंधों का तंत्र बनना अनौपचारिक संगठन कहलाता है। अनौपचारिक संगठन का जन्म औपचारिक संगठन से ही होता है, जब व्यक्ति आधिकारिक तौर पर बताई गई भूमिकाओं से परे आपस में मेल मिलाप करते हैं। अनौपचारिक संगठन के लक्षण। औपचारिक संगठन पर आधारित। यह औपचारिक संगठन पर आधारित होता है और लोगों के बीच अनौपचारिक संबंध होता है। सबसे पहले औपचारिक संगठन स्थापित होता है और फिर इससे अनौपचारिक संगठन पैदा होता है। इसमें कोई लिखित नियम एवं प्रक्रियाएं नहीं है। इस संगठन में पारस्परिक संबंध को नियंत्रित करने हेतु कोई लिखित नियम एवं प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ सामूहिक मानदंड हैं जिनका अवलोकन किया जाना चाहिए। संवाद का स्वतंत्र माध्यम। इस संगठन में अलग अलग लोगों के बीच संबंध परिभाषित नहीं होते हैं, क्योंकि निचले दर्जे के व्यक्ति का उच्च दर्जे के व्यक्ति के साथ सीधा संपर्क हो सकता है। इसे सोच विचार कर नहीं बनाया जाता है। अनौपचारिक संगठन सोच विचार कर नहीं बनाया जाता है। यह पारस्परिक संबंध और पसंद से बनता है। संगठनात्मक चार्ट में कोई स्थान नहीं। अनौपचारिक संगठन में सही ढंग से निर्मित संगठन चार्ट का कोई स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त संगठन की मैनुअल में भी इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। अंतरण। प्रत्येक संगठन में, चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, एक व्यक्ति या एक प्रबंधक तब तक अपने कर्तव्यों का निर्वाहन प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता है जब तक वह कार्य को अपने अधीनस्थों में विभाजित ना करे। इस प्रक्रिया को हम अंतरण कहते हैं। अंतरण से तात्पर्य उच्च पदासीन अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ऊंची से नीची स्थिति की ओर अधिकार प्रत्यायोजन है। यह अधीनस्थों को प्राधिकार देने की उनकी इच्छा से आवंटित कार्य करने की उनकी अभिलाषा की भी संपूर्ति करता है। यह प्रबंधक को अपने कार्यभार को दूसरों को वितरित करने में सक्षम बनाता है और महत्वपूर्ण कार्यों पर उनका ध्यान केंद्रित करता है जिसे केवल वे ही निष्पादित कर सकते हैं। अंतरण के तत्व। अंतरण के आधारभूत तत्व अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही हैं। अधिकार। अधिकार से तात्पर्य एक व्यक्ति के उस अधिकार से है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है तथा अपने पद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यवाही करता है। किसी दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। कच्ची सामग्रियों का उपयोग अथवा उत्पादन का अधिकार, धन व्यय या धन आवंटन की मांग, कर्मचारी नियुक्त करना
या उसे निकालना आदि शक्तियां उस व्यक्ति को अंतरित की जाती हैं जिन्हें काम सौंपा गया होता है। उत्तरदायित्व। एक अधीनस्थ कर्मचारी के लिए दिए गए कार्य का भलीभांति निष्पादन करना उसका उत्तरदायित्व है। एक उच्चाधिकारी को अपने अधीनस्थ को बतलाए गए कार्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। कर्तव्यों को कार्यों के संबंध में अथवा उद्देश्यों के संबंध में व्यक्त किया जाना चाहिए। जवाबदेही। जवाबदेही से तात्पर्य अंतिम परिणाम का उत्तर देने के योग्य होने से है। अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होता है। जवाबदेही उत्पन्न होती है क्योंकि प्रबंधक को अंतरित अधिकार तथा अधीनस्थों को सौंपे गए कार्य के कारण से अधिकार की आवश्यकता होती है। जवाबदेही की प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही अधिकार अंतरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अंतरण का महत्व। अंतरण यह सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ प्रबंधक की ओर से कार्य करें जिससे उसके कार्यभार को कम किया जा सके और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें अधिक समय प्रदान किया जा सके। प्रभावी अंतरण निम्नलिखित लाभों का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रभावी प्रबंधन। अंतरण द्वारा प्रबंधक अपने नियमित कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं, इसलिए उन्हें अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है। इससे उन्हें नए क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अधिक कुशल व प्रभावी होने में मदद मिलती है। कर्मचारी का विकास। प्रबंधन प्रक्रिया में कार्य कर्मचारियों को दिया जाता है। इससे उन्हें अपनी प्रतिभा का उपयोग करने और अपने अनुभव को बढ़ाने का मौका मिलता है। यह उन्हें बेहतर नेता और बेहतर निर्णय लेने वाला बनाता है। इस प्रकार अंतरण बेहतर भविष्य के प्रबंधकों की तैयारी में मदद करता है। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा। जब तक वरिष्ठ अपने अधीनस्थों को जिम्मेदारी सौंपता है तो वह केवल कार्य ही साझा नहीं कर रहा है बल्कि विश्वास भी साझा करता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह अधीनस्थों के प्रति संबद्धता तथा समर्पणता की भावना विकसित करता है। इससे उसके आत्मविश्वास में सुधार होता है और वह प्रोत्साहित महसूस करते हैं जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार आता है। विकास का सरलीकरण। जिम्मेदारी और अधिकार सौंपते समय प्रबंधकों को कर्मचारियों की योग्यता और क्षमता का ख्याल रखना पड़ता है। कार्य और विशेषज्ञता का यह विभाजन एक नए उद्यम के अग्रणी स्थिति में आने हेतु तैयार कार्य बल प्रदान करता है जिससे उद्यम के विस्तार में मदद मिलती है। प्रबंध सौंपाने की यानी पदानुक्रम का आधार। अंतरण कर्मचारियों के बीच अधिकार दायित्व संबंध बनाता है। अधिकार के प्रवाह का क्रम बतलाता है कि किसे किसको सूचना देनी है। यह संगठन में प्रत्येक जॉब पोजीशन यानी नौकरी की स्थिति को प्राप्त शक्ति का भी निर्णय लेता है। विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ है प्रत्येक स्तर पर प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, निर्णयों को लेने का समान व व्यवस्थित वितरण निम्न स्तर तक के प्रबंधन को दिया जाता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के पास कुछ न कुछ अधिकार होते हैं। विकेंद्रीकरण का महत्व। विकेंद्रीकरण एक आधारभूत कदम है जिसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। अधीनस्थों में पहल की भावना का विकास। विकेंद्रीकरण अधीनस्थों में आत्मविश्वास तथा भरोसे की भावना को जागृत करने में सहायता करता है। यह इसलिए कि जब निम्न स्तरीय प्रबंधकों को स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है तो वे अपने निर्णयों पर
भरोसा करना सीखते हैं। विकेंद्रीकरण से ऐसे प्रतिभावान कार्यकारियों की खोज में भी सहायता मिलती है जो भविष्य में अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास। किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करके मिले अनुभव से योग्यता तथा दक्षता प्राप्त लोगों का समूह जुटाने में औपचारिक प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिनको संगठन के भावी उद्यम में विविध प्रकार की अवस्थाओं में और अधिक जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। शीघ्र निर्णय। विकेंद्रीकरण में निर्णय लेने का अधिकार उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि निर्णय निष्पादन बिंदु के निकटवर्ती स्तर पर ही लिए जाते हैं, अतः प्रक्रिया अधिक गतिशील होती है और उनमें विकृति की संभावना कम होती है। वृद्धि एवं विविधीकरण। विकेंद्रीकरण का उपयोग तब अनिवार्य हो जाता है जब एकल उत्पाद का निर्माण करने वाला संस्थान उत्पाद की अन्य विभिन्न श्रेणियों में विविधीकरण करना चाहता है। इसलिए विकेंद्रीकरण उत्पादों तथा बाजारों के विकास व विविधता को सहज बनाता है। शीर्ष प्रबंधन को राहत। यह निर्णय लेने और अपने आप कार्य करने की स्वतंत्रता देकर अधीनस्थों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को कम करने में मदद करता है। इससे उच्चाधिकारियों का भार कम हो जाता है और वे महत्वपूर्ण नीति मामलों पर अपना समय और ध्यान दे सकते हैं। विकेंद्रीकरण के लाभ। विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ है प्रत्येक स्तर पर प्राधिकरण का प्रत्यायोजन। निर्णयों को लेने का समान व व्यवस्थित वितरण निम्न स्तर तक के प्रबंधन को दिया जाता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के पास कुछ न कुछ अधिकार होते हैं। लाभ। विकेंद्रीकरण के महत्व पर निम्नलिखित बिंदुओं की मदद से चर्चा की जा सकती है। शीर्ष प्रबंधकों के भार में कमी। विकेंद्रीकरण शीर्ष प्रबंधकों के विभिन्न कार्य निष्पादन के भार को कम करता है। अधिकारों का केंद्रीकरण। प्रबंधक और उनके समकक्ष समूहों के कंधों पर सारा दायित्व डालता है। इससे शीर्ष प्रबंधकों के निपटान का समय घटता है, जिससे उन्हें अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्यों में ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है। विविधीकरण का लाभ। विकेंद्रीकरण में उत्पादों का विविधीकरण, गतिविधियां और बाजार का सरलीकरण आदि शामिल है। शीर्ष स्तर पर अधिकार केंद्रित उद्यम के लिए अपनी गतिविधियों का विविधीकरण बेहद कठिन और जटिल होता है और निर्माण अथवा वितरण का एक अतिरिक्त क्रम शुरू होता है। उत्पाद और बाजार पर जोर देना। नवाचारों और ग्राहकों की मांग में परिवर्तन के कारण बाजार में नए उत्पाद आने पर पुराना उत्पाद अपना बाजार खो देता है। ऐसे मामले में कीमत, गुणवत्ता, वितरण, नवीनता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को अधिकार विकेंद्रीकृत किए जाते हैं। अभिप्रेरणा में वृद्धि। प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है और यह महसूस कराता है कि वे व्यवसाय के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह उत्पादकता और दक्षता में सुधार करता है। कार्मिकों का विकास। जब अधिकार विकेंद्रीकृत होगा तो संगठन के प्रबंधकों को पहल द्वारा अपने कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे प्रबंधकीय पदों के लिए तैयार होंगे। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
कार्यकलापों को परिभाषित करने और समूहबद्ध करने की प्रक्रिया के साथ साथ उनके बीच अधिकार संबंध स्थापित करना। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्य के विभाजन और वृत्तांत यानी रिपोर्टिंग संबंधों में स्पष्टता, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, विकास, शक्तिशील प्रशासन और शानदार रचनात्मकता पैदा करती है। संगठनात्मक संरचना वह ढांचा है जिसमें प्रबंधकीय और परिचालन कार्य किए जाते हैं। यह कार्यात्मक अथवा प्रभागीय हो सकता है। कार्यों के आधार पर कार्यात्मक संरचना कार्यों के आधार पर कार्यकलापों को समूहबद्ध करती है। इस तरह के ढांचे के महत्वपूर्ण लाभ हैं विशेषज्ञता, उत्कृष्ट नियंत्रण, उच्च स्तरीय प्रबंधकीय क्षमता और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में सुगमता। कार्यात्मक शासन की हानियां हैं हितों में टकराव, अनम्यता और प्रबंधकीय विकास में रुकावट। प्रभागीय ढांचा उत्पाद के आधार पर कार्यकलापों को समूहबद्ध करता है। इसके लाभ हैं एकीकरण, उत्पाद विशेषज्ञता, अधिक जवाबदेही, अनम्यता, बेहतर समन्वय और अधिक पहल। औपचारिक संगठन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा डिजाइन किया जाता है। इसके लाभ हैं जिम्मेदारियों का निर्धारण, भूमिकाओं की स्पष्टता, अधिकार की एकता और लक्ष्य की प्रभावी उपलब्धियां। अनौपचारिक संगठन कार्यरत लोगों के बीच मेलजोल से पैदा होता है। अंतरण अधिकार को उच्च पदासीन अधिकारियों से अधीनस्थों तक स्थानांतरित करता है। इसमें तीन तत्व शामिल हैं, अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। विकेंद्रीकरण पूरे संगठन में अधिकारों का अंतरण है।